बीजेपी के महाराष्ट्र प्रभारी हैं डॉक्टर दिनेश शर्मा। एबीपी न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत की है उन्होंने। दिनेश शर्मा ने उद्धव ठाकरे और उनकी पार्टी पर हमला बोला, कह रहे हैं कि शिवसेना बहुत दूर जा चुकी है, उद्धव ने हिंदुत्व का चोला छोड़ दिया। दिनेश शर्मा ने हाल ही में कांग्रेस छोड़ने वाले संजय निरुपम की जमकर तारीफ की। सबसे पहले शुरुआत में महाराष्ट्र से करूंगा, क्योंकि महाराष्ट्र बहुत ही महत्वपूर्ण स्टेट बताया जा रहा है और आपको वो जिम्मेदारी सौंपी गई है। आपने जिम्मेदारी संभाली, आप लगातार महाराष्ट्र जा रहे हैं। मुझे पहले बताइए, महाराष्ट्र की रिपोर्ट क्या है? महाराष्ट्र की का इस चुनाव में आपको क्या परसेंटेज, कल कितनी में कितनी सीटें की आपकी टारगेट है आपका? नहीं देखिए, पहला प्रश्न का जवाब है, अब की बार 400 पार, और 400 पार में महाराष्ट्र का बहुत बड़ा योगदान होगा। और दूसरा आपका जो प्रश्न है कि हाल क्या है, पूरे देश का हाल है मोदी मैजिक चल रहा है और महाराष्ट्र में कुछ ज़्यादा चल रहा है। साहब, कितनी सीटें महाराष्ट्र में उम्मीद कर रहे हैं, ये मैं समझना चाह रहा हूँ आपसे, आप प्रभारी हैं वहाँ। इसका उलट के जवाब दे रहा हूँ, एक या दो सीटें भी अगर विपक्ष पा जाए तो ये एक बहुत बड़ा आश्चर्य होगा। इतने कॉन्फिडेंट हैं? इसे थोड़ा ज़्यादा हूँ, कम प्रदर्शित कर रहा हूँ। आप जाकर देखो, आप पब्लिक से किसी से अचानक लेके पूछ लीजिए, ये कहेगा साहब हमको किसी से मतलब नहीं, हमको मोदी जी से मतलब है। किसको क्या नहीं हुआ, गांव गांव तक योजनाएं पहुंची। और सबसे बड़ी चीज क्या थी कि शिवसेना और कांग्रेस का जो संबंध था वो एक जिसको कहते हैं कि अस्वाभाविक सा था, अकल्पनीय गठबंधन था, क्योंकि बाला साहब ठाकरे का जो एक विराट व्यक्तित्व था, हिंदुत्व का एक मुखौटा नहीं थे, हिंदुत्व का एक चेहरा थे, और उनका एक वाणी पे पूरा प्रदेश नहीं पूरा देश गरजता था। और वो उन्होंने कहा था कि कांग्रेस से बड़ा इस देश का नुकसान करने वाला कोई दूसरा दल नहीं है, और अपनी जिंदगी में मैं इनकी तरफ देख भी नहीं सकता। उनके लड़के ने बीजेपी के साथ में लड़ा, उद्धव जी ने, और बीजेपी के साथ बहुमत मिला, कांग्रेस और एनसीपी के छलावा में वो फंस गए, और उन्होंने अपना जो हिंदुत्व का चोला पहना था उन्होंने उसको उतार दिया। और उनकी मुख्यमंत्री बनने की जो ख्वाहिश थी वो हिलोरे लेने लगी, और वो मुख्यमंत्री बने तो सबसे पहला काम क्या था कि हनुमान चालीसा पढ़ने वालों को गिरफ्तार करो, मारो लाठी। जो श्री राम जन्मभूमि का शिलान्यास हो रहा है और वहाँ पे लोग उत्सव मना रहे हैं महाराष्ट्र में राम जन्मभूमि के शिलान्यास का, उनको जेल भेज रहे हैं। हनुमान चालीसा पढ़ने वाली नवनीत राणा और तमाम कितने लोगों का, आपने सांसदों तक को मारा और गिरफ्तार कर दिया। मैं जिस डॉक्टर दिनेश शर्मा को जानता हूँ वो जोड़ने के एक्सपर्ट माने जाते हैं। यूपी में आपने कितनों को जोड़ा, आपके दौर में जो सदस्यता अभियान चला उसमें पार्टी ने नए रिकॉर्ड स्थापित किए, तो जो ये जोड़ने वाले डॉक्टर दिनेश शर्मा है, जब ये महाराष्ट्र के प्रभारी हुए हैं तो क्या इन्होंने उद्धव ठाकरे को भी फिर से जोड़ने की कोशिश की क्या? नहीं देखिए, आप पहली बात तो जो सदस्यता अभियान में वर्ल्ड रिकॉर्ड बना उसमें मेरा योगदान तो शायद गिलहरी वाला होगा, मानी अमित शाह जी राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, ये उनका चमत्कारी व्यक्तित्व था, प्रधानमंत्री का मार्गदर्शन था, इसलिए वो वर्ल्ड की सबसे बड़ी पार्टी बीजेपी बनी 11,57,00,000 की। और दूसरी बात, जो खुद टूट चुका हो, जिसकी देखिए टूटे हुए व्यक्ति को जोड़ा जा सकता है लेकिन टूटी हुई आइडियोलॉजी को नहीं जोड़ा जा सकता। जो हिंदुत्व का विचार था जब वही समाप्त हो गया, जो सनातन की रक्षा का जो संकल्प था शिवसेना उद्धव जी का, वो समाप्त हो गया तो वो जुड़ेंगे कहाँ से? वो केवल मन से नहीं टूटे, दिल से नहीं टूटे, वो विचारों से भी टूट चुके हैं। बड़ी बात की आप करें कि शिवसेना उद्धव ठाकरे वाली आइडियोलॉजी से टूट चुकी है। निश्चित, बहुत टूट नहीं चुकी है, बहुत दूर जा चुकी है, ना उनके पास में नीति है, ना नियत है, ना नेतृत्व है। इतना दूर डॉक्टर साहब जा चुकी, इतना दूर जा चुकी है कि अब दोबारा मिलना मुमकिन नहीं है। देखिए, अब वो कार्यकर्ता विहीन हो चुके हैं, वो अब जो चमत्कारिक वाला जो बाला साहब ठाकरे जी का जो व्यक्तित्व था, वो सारी विचारधाराएं बीजेपी के साथ जुड़ गई हैं। देखिए, नेता चला जाना कोई आश्चर्य नहीं था, उनके साथ के विधायक चले गए, सांसद चले गए, ये बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात तो ये कि उनका कार्यकर्ता चला गया, वो बीजेपी या बीजेपी की विचारधारा। की तारीख में बीजेपी को उद्धव ठाकरे की कोई जरूरत नहीं है? देखिए, बीजेपी को जनता की जरूरत है, उद्धव ठाकरे की नहीं। मैंने कहा ना, बीजेपी जनता की जरूरत है
और जनता के जो साथ है उसकी हमें जरूरत है। अभी जनता के साथ नहीं है इसलिए इस समय इनकी जरूरत नहीं। संजय निरुपम का क्या हो रहा है? उन्होंने बाकायदा कांग्रेस की कली खोल दी है, जो सारा ही उन्होंने बातें सामने रख दी हैं, क्या वो भी आपके दिल के करीब आ चुके हैं? दिल के अच्छे हैं वो, अच्छे उन्होंने बातें कही हैं। कांग्रेस भ्रष्टाचार के खिलाफ को जो जवान उड़ाता है, जो सनातन के पक्ष में बोलता है, अभी देखा ना उनके गौरव बल्लभ जी को कि सनातन को गाली ना देने के कारण उनको हटाया। संजय निरुपम जी ने जो खिचड़ी का घोटाला हुआ था, किसी के उन्होंने कोई वक्तव्य दिया था तो उसका दंड मिला कि आप भ्रष्टाचार के खिलाफ क्यों जा रहे हो? अब ये तो कांग्रेस अब वो गांधी बाबा वाली कांग्रेस नहीं है, जो दे दी आज़ादी बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तुमने कर दिया कमाल, अब तो इटली वाले संत लोग हैं। मुझे बताइए कि आपके दरवाजे संजय निरुपम के लिए खुले हैं क्या? क्योंकि आपने एक बात कही कि वो बीजेपी के दरवाजे हर उस व्यक्ति के लिए खुले हैं जो मोदी जी के नेतृत्व में बीजेपी की आइडियोलॉजी को मानता है। लोग जो बोलते हैं ना कि मोदी ने क्या किया, मोदी जी ने तो सबसे वो चमत्कार किया है कि अब माथे पर राहुल जी के चंदन है, मन में क्रंदन है, और क्रंदन का कारण जनता में मोदी का वंदन है। आपने पूरी कविता ही पढ़ दी। मुझे एक बात ये बता दीजिए कि प्रभु श्रीराम का आशीर्वाद संजय निरुपम को मिलेगा क्या? मैं तो चाहता हूँ कि भगवान का आशीर्वाद उन सारे लोगों को मिले जो मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने की सदिच्छा रखते हैं। मैंने संजय निरुपम के बारे में पूछा है आपसे, मैं उस सारे लोगों में वो भी शामिल है ना, इन निश्चित रूप में एक अच्छा नेतृत्व करता है, 3 बार सांसद रहे हैं और उनकी समाज में इज्जत है, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये मैं नहीं कह सकता।